नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। चमकी बुखार या AIS से मुजफ्फरपुर और वैशाली के बच्चों की मौत होते रही है, लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चमकी बुखार का कहर देखने को नहीं मिला। कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था, शायद इस वजह से भी बच्चे घरों से बाहर नहीं निकले और उन पर चमकी बुखार का कहर नहीं टूटा। लेकिन अब मुजफ्फरपुर में जो चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है वह यह है कि चमकी बुखार ने अपना पाँव पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या कोरोना वायरस के कारण चमकी ने अपना समय बदल लिया है। मुजफ्फरपुर में अचानक से AIS के मामले बढ़ने लगे हैं। SKMCH में आज 7 साल की एक बच्चे की AIS से मौत हो गई। SKMCH में उसका इलाज चल रहा था। अब तक इस साल की चमकी बुखार से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। 7 साल की शिवानी 19 जुलाई को SKMCH में भर्ती कराई गई थी। उसके पिता राजन राम के मुताबिक 15 जुलाई को उनकी बच्ची को बुखार आया था। इसके बाद गांव के ही एक दुकान में उन्होंने बुखार की दवा लेकर बच्ची को दी। पहले तो फीवर उतर गया, लेकिन वापस उसे फीवर हो गया। आखिरकार 19 जुलाई को तबीयत बिगड़ने के बाद वह बच्ची को लेकर SKMCH पहुंचे। यहां पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया। आज सुबह बच्ची की मौत हो गई। SKMCH में आज दोपहर एक बच्ची को एडमिट कराया गया है जिसे चमकी बुखार के लक्षण है। मुजफ्फरपुर जिले में इस साल अब तक 25 बच्चे AIS से पीड़ित हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सभी जिलों द्वारा आरक्षित पदों की सूची तैयार कर ली गई है। इस बार पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। राज्य के करीब 300 ग्राम पंचायतों के नगर निकायों में विलय होने के बाद शेष ग्राम पंचायतों, वार्ड पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार नए सिरे से पदों के आरक्षण की तैयारी की गई है। इससे सभी जिलों द्वारा आरक्षित पदों को चिन्हित कर लिया गया है। आरक्षित पदों की पूरी सूची का प्रकाशन 10 अगस्त के बाद किया जाएगा। नए नगर निकायों के गठन के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण में मामूली बदलाव की आवश्यकता थी। जिन पंचायतों को पूर्ण विलय हुआ है वहां के सभी पदों को समाप्त कर दिया गया है। आयोग ने जिलों को उन सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के पदों को एडजस्ट करने का निर्देश दिया था जिनका आंशिक भाग निकायों में शामिल किया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने सभी DM को निर्देश जारी कर कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कैंडिडेट अपने पार्टी का झंडा या बैनर साथ न रखे। आयोग ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों की तत्काल प्रभाव से उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। वहीं निर्देश में कहा गया है कि इस बार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन के समय एक ही वाहन के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान किया है। एक से अधिक वाहन के साथ जाने की अनुमति नहीं दिया है। इसके साथ ही एक ही प्रस्तावक नामांकन के समय मान्य होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के नामांकन को लेकर जारी निर्देश के तहत कोरोना से बचाव को लेकर इस प्रकार के एहतियात बरतने पर जोर दिया है। मंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर जनता दरबार कार्यक्रम का सिलसिला शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार पिछले 2 हफ्तों से जनता दरबार कार्यक्रम में मौजूद हो रहे हैं और इस दौरान उनके सामने सैकड़ों की तादाद में फरियादी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान शुरुआती दौर में जो फीडबैक मिल रहा है उसके मुताबिक नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी, लेकिन अब इन्हीं योजनाओं के क्रियान्वयन का जिम्मा जिन विभागों को मिली है उन्हीं विभागों से शिकायतें सबसे ज्यादा सामने आई है। 7 निश्चय की सबसे लोकप्रिय योजना नल का जल और ग्रामीण सड़क के साथ साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और पंचायती राज विभाग के साथ साथ अन्य विभागों से जुड़ी योजनाओं को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें जनता दरबार में सुनने को मिली है। बिहार में 36,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। जिन शिक्षकों ने विशेष पोर्टल पर अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है उनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि पहले ही सरकार की ओर से सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है। पोर्टल पर दस्तावेज नहीं जमा करने वाले शिक्षक फर्जी माने जाएंगे और ऐसे में उनकी नौकरी भी जा सकती है। बिहार में नियोजित शिक्षकों को 20 जुलाई यानी कि बीते मंगलवार तक ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का अल्टीमेटम दिया गया था। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है उनकी नौकरी खतरे में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं जमा किया है उन्हें नीतीश सरकार पहले शोकॉज नोटिस भेजेगी और फिर बाद में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि दस्तावेज नहीं जमा करने
देने वाले टीचरों को सरकार फर्जी मानेगी, ऐसे शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नौकरी से बर्खास्त करने के साथ साथ फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार उनसे वेतन की भी वसूली करेगी। गौरतलब हो कि साल 2006 से 2015 के बीच की गई नियुक्ति में 91,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों में से 65,000 शिक्षकों ने ही निगरानी जाँच के लिए विशेष पोर्टल पर अपने दस्तावेज अपलोड किए हैं। इस हिसाब से देखें तो 36,000 नियोजित शिक्षकों ने दस्तावेज अपलोड नहीं किया है। बिहार में कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ा है। ज्यादातर क्लास ऑनलाइन चल रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उचित संसाधन नहीं होने की वजह से कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक की 36,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं को डिजिटल पढ़ाई के लिए टैब या अन्य गैजेट देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए टैब, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट तैयार करने वाले विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पहली बैठक की है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रेजेंटेशन दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि लिखित रूप से प्रेजेंटेशन के पूरे प्रस्ताव को विभाग को दे। विभाग ने अभी तय नहीं किया है कि टैब दिया जाए या छोटा लैपटॉप। राशि खर्च के मामले में अगली बैठक में चर्चा होगी। 15 दिनों के अंदर कंपनियों से प्रस्ताव मिलने के बाद विभाग फिर इस पर विमर्श करेगा। बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैब जैसे गैजेट देने का प्रस्ताव रखा था। खासकर कक्षा 9 और 10 के बच्चों को टैब देने के लिए राज्य सरकार की ओर से मांग की गई, जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने कहा था कि 9वीं और 10वीं के बच्चों को टैब मिलने से ऑनलाइन और डिजिटल पढ़ाई में मदद मिलेगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस योजना में केंद्रांश 60 और राज्यांश 40% भागीदारी होती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद राज्य सरकार ने खुद यह जिम्मा उठा लिया है। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में 21,000 नियुक्ति करने की तैयारी चल रही है। विभाग को 2 महीने के करीब 1,000 इंजीनियर मिल जाएंगे। इसमें जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर शामिल है। साथ ही यूडीसी, एलडीसी, स्टोर कीपर, लैब टेक्नीशियन और अन्य के लिए करीब 20,000 पद सृजन कर बहाली करने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 9,000 स्थायी और 11,000 अस्थायी बहाली होगी। विभाग में चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी अतिरिक्त पदों का सृजन करने की तैयारी है। बहुत जल्द सरकार की मंजूरी के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग में लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मियों की जगह नियमित बहाली नहीं हुई थी। इस कारण इंजीनियरों और कर्मियों की कमी थी। संविदा के माध्यम से कई जगह काम हो रहा है। वहीं राज्य में विभाग के माध्यम से करीब 1,16,000 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कें बन चुकी है। इन सड़कों के मेंटेनेंस के साथ ही ग्रामीण यातायात को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम हो रहा है। ऐसी हालत में इंजीनियरों और कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए बहाली की जरूरत थी। बता दें कि राज्य में इंजीनियरों और कर्मियों की बहाली से विभाग के अंतर्गत तय समय में बेहतर सड़कों का निर्माण और पहले से बनी सड़कों का मेंटेनेंस कर दुरुस्त रखना है। इससे ग्रामीण इलाकों में यातायात की व्यवस्था बेहतर होगी, साथ ही ग्रामीण इलाकों में आर्थिक उन्नति हो सकेगी। इस वक्त एक ताजा खबर पटना से सामने आ रही है। बिहार सरकार ने कोरोना काल में की गई डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति को रद्द कर दिया है। बिहार सरकार की ओर से सभी जिलों के डीएम और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पत्र संख्या 762 के मुताबिक कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों में की गई डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्तियां रद्द कर दी गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस आशय का आदेश सभी जिलों को भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जिला स्तर पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदों और विभिन्न अस्पतालों में प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया था। इसके आलोक में सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों द्वारा 31 मई तक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई। अब विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि जिलाधिकारी और सिविल सर्जनों द्वारा की गई प्रतिनियुक्ति अब स्वतः समाप्त हो गई है। प्रतिनियुक्ति किए गए संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी अपने अपने मूल पदस्थापन स्थल व पद पर योगदान करना सुनिश्चित करें। स्तरीय पंचायत चुनाव के सभी चरणों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। खासकर बाढ़ग्रस्त इलाकों के मतदान केंद्रों पर भी सुरक्षा को लेकर बेहतर प्लानिंग की जा रही है, ताकि चुनाव के दौरान मतदान करने में मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। जहां मतदाता शांतिपूर्ण माहौल में स्वच्छ, निष्पक्ष व निर्भीक होकर मतदान कर सके। वहीं प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद पंचायत
चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा को लेकर मंथन प्रारंभ हो गया है। सभी मतदान केंद्रों पर बिहार पुलिस व गृह रक्षकों के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने का निर्णय लिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की देखरेख में एसपी दोनों अनुमंडल के एसडीएम व एसडीपीओ को सुरक्षा बलों की जरूरत व उनकी उपलब्धता को लेकर विमर्श किया गया है। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर पंचायत चुनाव के दौरान जिले में पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए सरकार से पत्रचार भी किया गया है। वहीं जिले में संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है ताकि जिले में चुनाव शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो सके। जिले के 14 प्रखंडों के 3106 वार्डों में कुल 3236 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां बिहार पुलिस व गृह रक्षकों के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात किए जाएंगे। बिहार के सासाराम प्रखंड के दारीगांव थाना क्षेत्र में शराब पार्टी करते पकड़े गए मुखिया समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों पर संकट और अधिक गहराने लगे हैं। इन्हें संबंधित पंचायत परामर्श समिति से हटाया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग को अनुशंसा पत्र भेज दिया है। इसकी जानकारी जिला प्रशासन ने विज्ञापित जारी कर दी है। कैमूर पहाड़ी की तराई में बसे दारीगांव में हुई शराब पार्टी और कार्रवाई को लेकर जारी विज्ञापित में कहा गया है कि सासाराम प्रखंड के दारीगांव थाना क्षेत्र में शराब पार्टी व नशे में 18 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें से 6 मुखिया में दारीगांव पंचायत के मुखिया राजू पासवान, चेनारी के हाटा पंचायत के मुखिया पारस पासवान, आलमपुर पंचायत के मुखिया विजय पासवान, श्रीरामपुर में धर्मेंद्र सिंह, खरनू पंचायत के मुन्ना सिंह और चेनारी के मुखिया राजवंत सिंह हैं। साथ ही खसोदर के पैक्स अध्यक्ष कृष्णा सिंह भी नशे में पाए गए। राजू पासवान अध्यक्ष ग्राम पंचायत परामर्श समिति दारीगांव, मुन्ना सिंह अध्यक्ष ग्राम पंचायत परामर्श समिति नहोना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही हमें हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। हमारा आईडी है बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज।